एक पेपर खराब हो गया ना तो दिमाग दिल पर लेना ही नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, अगले में करेंगे, ऐसे रोते नहीं रहना। गुरुग्राम ग्राम का एक लड़का, गुरुग्राम ब्रांच राम, उसने पिछले 6 महीने में मुझे बताया मेरे 15 पेपर पास हो गए, 3 फाइनल सिलेक्शन, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की है। बोला थोड़ी सी अच्छी नौकरी मिलेगी तब करूंगा ज्वाइन। तुम्हारे काम की बात यह कि 15 पेपर 15 रिजल्ट तो आए हैं 6 महीने में, अभी तो पास हुए। तुम कहोगे तो उस राम की मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जब उसने पहला पेपर डाला, पेपर पहला पास हुआ, यहाँ आया था गुरुग्राम ब्रांच का राम, पहले पेपर पर आया, फिर 2-4 दिन में 10 दिन में बोला सर दूसरा रिजल्ट आ गया पास, फिर तीसरा, फिर चौथा। मजे की बात बताऊं, 15 एग्जाम पास इन अ रो, सारे पास हैं। पेपर बेसक लीक होते हो आईसीएस के स्टूडेंट्स उनसे ऊपर नंबर लेके पास होते हैं, ये भी तुम्हारे काम की बात है। कुछ यो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग इसको भी नेगेटिव कर सकते हैं, इतने पेपर पास हो लिए बिना लाग लिया तो के फायदा, ऐसे कर सकते हैं। पेपर पास होने में और नौकरी लगने में गैप होता था, थोड़ा टाइम लगता। एक और बात बताता हूँ, हमारा सबसे पहला स्टूडेंट था प्रेम, रिवाड़ी का था, बहरोड से रिवाड़ी, उसके 20 प्लस एग्जाम पास। उसके बाद सबसे पहली रिक्रूटमेंट हुई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में लग गया, किताबों पर छपे हुए फोटो। 2 महीने बाद बैंक क्लर्क में नंबर आ गया, सैलरी वैलरी तो मिली नहीं थी, 50,000 रुपए उल्टे और ले लिए छोड़ने के नाम के। बोला हमने तेरे को 2 महीने खिलाया, तेरे को ट्रेनिंग दी, सिखाया, 2 महीने के 50,000 रुपए देके जा, 50,000 रुपए भर के भाई हरियाणा पुलिस से बढ़िया नौकरी थी बैंक क्लर्क, हाँ या ना? बैंक क्लर्क में ज्वाइन कर लिया। 2 महीने बाद ही बैंक पीओ में नंबर आ गया, उसी में प्रमोशन की बड़ी नौकरी थी इसलिए वहां पैसे नहीं भरने पड़े, बैंक पीओ लग गया। उसका फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी में, फाइनल सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में, फाइनल सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल में, फाइनल सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में। उस लड़के का फाइनल सिलेक्शन बैंक क्लर्क में 5-6 बार, फाइनल सिलेक्शन बैंक पीओ में 5-6 बार। अब जितनी रिक्रूटमेंट तुम मुझे बताओगे, रेलवे पुलिस, रेलवे फोर्स में, हर जगह पर उसके फाइनल सिलेक्शन है। अब उसके 50+ एग्जाम पास है और 20+ फाइनल सिलेक्शन है। अब बैकग्राउंड बताऊं इसका, उसके पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, नीची जाति से संबंधित है, खेत क्यार कुछ भी नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। उसकी माँ ने उसको किस प्रकार से पाला होगा, किस प्रकार से रेवाड़ी रख के उसको पढ़ाया होगा, तो सारी मेहनत का प्रेम ने बढ़िया रिजल्ट दिया कि नहीं दिया। बैंक पीओ लग के जर्नली 6-7 साल लगते हैं सुपरिटेंडेंट होने में, वो 3 साल में हो गया। एक्सपीरियंस और ज्ञान और एटीट्यूड इतना बढ़िया था, कितनी जगह पैसे दिए होंगे उसने। ये अब ये राम जो ये जो चल रहा है मामला, जब तक फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक पता नहीं 50 पेपर दे लेगा कि 20 दे लेगा कि 40 दे लेगा, वे सारे ही तो पास होंगे। एक बार मैथ आ गया मतलब आ गया, एक बार रीजनिंग आ गई मतलब आ गई, एक बार इंग्लिश आ गई मतलब आ गई। ऐसा मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ तुम लोगों को, मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ ऐसे ऐसे, ये बाई चांस नहीं है। तुम लोगों के भी बहुत सारे पेपर पास होने हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे पेपर पास होकर के नौकरी लगनी है। अभी ओल्ड जर्नल बैच में कुछ बच्चे बैठे हैं जिनका एसएससी सीजीएल फाइनल सिलेक्शन हो चुका, एसएससी प्री क्लियर हो गया सीजीएल का, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो ये पढ़ाई है, यही तैयारी है, ये सारे एक्सपीरियंस मेरे पास से है। नौकरी लगने और ना लगने में क्या डिफरेंस है, क्या कहानी है, क्या नहीं है, सारी बातों का मुझे पता है। मैं जो यहाँ बातें बताता हूँ, 2 बातें बताता हूँ, 1 सिलेक्शन किन बातों से होगा, 2 फेल किन बातों से होंगे। फेल बातें जब बताई जाती है ना तो तब तुम्हें ऐसे बोलना कि हाँ ठीक है हम तो ऐसा करते ही नहीं, क्यों? वेरी गुड, सबको आ रहा क्लियर? ये बात आ रही है समझ में? Yes,